आपके पास ना कोई इकोनॉमिक प्लान है, सिर्फ गिराओ जलाओ मार दो मर जाओ जेल भर दो, ये है आपका एजेंडा। ना आपके पास कोई मार्शी प्लान है, ना आपके पास कोई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ना आपने कोई प्रोजेक्ट दिया, मेगा प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, आपने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं दिया। कोई एक कॉलेज, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक मोटरवे, कोई एक एक्सप्रेसवे, कोई एक बिजली का मंसूबा, कोई एक सीपेक जैसा कोई मंसूबा निकाल के दिखा दो, कुछ भी नहीं। झूठ का नाम बयानिया रख दिया, सोशल मीडिया के नाम पर आप लोगों की इज्जतें उछालने की कैंपेन्स चलाते, और सोशल मीडिया पे हमें भी मुकाबला करना पड़ता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब हमें वो मुकाबला करना पड़ता है। हमारे पास तो सच्ची बातें करने के लिए आपने झूठ का नाम बयानिया रखा हुआ है आजकल, और बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट है। मैं आज आप सबके थ्रू पाकिस्तान की यूथ से मुखातिब हूँ, बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है कि परफॉर्मेंस की जगह जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स ने ले ली। जो नेशनल नैरेटिव होना चाहिए, कौमी बयानिया होना चाहिए, उसकी जगह झूठ के बयानिया ने ले ली, और इन सब चीज़ों ने परफॉर्मेंस को भी रिप्लेस कर दिया, और जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स थी उसको भी रिप्लेस कर दिया। आज आप मुझे बताएं पाकिस्तान का माशी तौर पे पाकिस्तान का क्या हाल है।